नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज की इस बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दशक न्यूज़ में। आज हम दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो, वो समाचार जो इस समय दशकों में सबसे ज़्यादा चर्चित हो रहा है। आज की ताज़ा खबर है बस्ती बाराबंकी और बदायूं से लगातार अनदेशक गुहार लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी माँओं को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यानी कि विधायक मंत्री और सांसदों के द्वारा वो ज्ञापन लगातार मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। आज दिनांक रविवार को भी छुट्टी के दिन वो अपने घर चैन से नहीं बैठे और जैतपुर विधायक गौरव रावत और आदरणीय सदर विधायक सुरेश यादव को अनुदेशक नियुक्तिकरण के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आदरणीय जैतपुर विधायक ने कहा नियुक्तिकरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, सदन में गूंजेगा अनुदेशक नियुक्तिकरण का मुद्दा। आदरणीय जैतपुर विधायक और आदरणीय सदर विधायक ने कहा आप लोगों का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा, आज के समय में महंगाई चरम पर है और आप लोगों का मानदेय बहुत ही कम है। अनुदेशक संघ के प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश ने कहा कि अगर अनुदेशकों के नियुक्तिकरण की कार्रवाई नहीं शुरू की तो अब संगठन शांत नहीं बैठेगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर उतरेंगे। अनुदेशक इस समय लगातार अपने ज्ञापन पहुंचा रहे हैं और आप देख सकते हो ये ज्ञापन अपनी स्क्रीन पर। महेंद्रनाथ यादव विधायक 310 बस्ती सदर सदस्य हैं ये विधानसभा के, और आप देख सकते हो इसमें उन्होंने साफ साफ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अपने लेटर पैड पर लिखा है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, कृपया संलग्न प्रार्थना पत्र के प्रमोद कुमार पांडे जिलाध्यक्ष परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन बस्ती का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसमें परिषदीय विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों ने अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्थायी नियुक्ति और नियुक्तिकरण प्रदान करने के लिए निवेदन किया है। आपसे आग्रह है कि संलग्न प्रार्थना पत्र पर विनयपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। साथियों, कहते हैं ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती, कुछ ऐसा ही अनुदेशकों के साथ भी हो रहा है। अनुदेशक लगातार प्रयास कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी जायज़ मांगों को लेकर, और मुख्यमंत्री जी को, जो कि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, अपनी व्यथा सुना रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, हम लोग 2013 से कंटिन्यू अपने काम पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं कृषि से हूँ, मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। जैसे गीता में लिखा हुआ है, कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो, लेकिन अब समय ऐसा आ चला है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारा इतने में गुजारा नहीं हो पा रहा है, हमारे भी बच्चे हैं, माँ बाप हैं। हम मुख्यमंत्री जी से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम अपनी पूरी लगन से निष्ठा से काम कर रहे हैं, हम बच्चों को कंटिन्यू समय से जाके सब कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ने की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कुछ हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री जी से यही मेरी अपनी तरफ से गुजारिश। अब तक की खबर में बस इतना ही, पुनः एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।